आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजीपुर जखनिया क्षेत्र के शिव मंदिर परिसर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार राम की अध्यक्षता में किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया ने सर्वप्रथम महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में जो सम्मान अनुसूचित वनवासी समाज के लोगों को नहीं मिल पाया है, वह सम्मान भाजपा में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के लोगों को मिला है। इस समाज के लोग जहां भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, उन लोगों तक आवास, शौचालय, बिजली, रोड व पेयजल की व्यवस्था पहुंचाई गई। क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था में 100% सुधार हो गया। प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया ने कहा कि जैसे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, श्री कृष्ण जैसे भगवान धरती पर थे, वैसे ही हम लोग के बीच धरती पर इस समय भगवान के स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी आए हैं। उनके बताए हुए मार्गों पर लोगों को चलना चाहिए। पिछली विपक्ष की सरकार ने अनुसूचित वनवासी समाज के लोगों को अंधकार में रखा, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में पूरी तरह से वंचित किए, लोगों को किसी योजनाओं का लाभ अब तक नहीं पहुंचाई थी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुँचाई है। सभी अनुसूचित भाइयों से निवेदन है कि योगी के हाथों को मजबूत करें। राज्य मंत्री प्रभुनाथ चौहान ने कहा कि बासफोर दलित वनवासी समाज के लोगों को भाजपा सरकार ने भूमिहीनों को भूमि देने से लेकर तमाम योजनाओं से सुसज्जित किया, शिक्षा का स्तर काफी ऊंचे स्तर पर पहुंचाए। भाजपा जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने ऐसे समाज के लोगों को खोखला कर दिया था। विपक्षी दलों की सरकार में बिजली की क्या दुर्दशा थी, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। 6 घंटा दिन में तो 6 घंटा रात में बिजली मिलती थी, लोगों के मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता था। लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश का चौमुखी विकास किया। इस मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राम, श्याम नारायण राम, रामराज बनवासी ने जखनिया विधानसभा के गांव-गांव से सम्मेलन में अधिकांश अनुसूचित जाति एवं वनवासी समाज के लोगों को बुलाया था, जिसकी सराहना प्रदेश के अध्यक्ष ने भी किया। संचालन अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष शैलेश राम ने किया। न्यूज 9 भारत के लिए गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश के जिलों को 5 घंटे हम लोग के जैसे जिले में सिद्धार्थ और बस्ती में 5-5 दिन बिजली मिला। गोरखपुर आज योगी जी जहाँ से मुख्यमंत्री है, गोरखपुर शहर में सब डाउन रहता था, लोड सेटिंग रहती थी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।